हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपना माइक्रोवेव मुझे अच्छे से क्लीन करना होता है तो कैसे करती हूँ। क्योंकि जब मैंने माइक्रोवेव नया लिया तो उसके साथ माइक्रोवेव कवर प्लेट नहीं थी, तो जब भी मुझे फूड गर्म करना होता है तो मैं ऐसे ही बाउल या कांच की प्लेट में पूरा फूड रख के गर्म कर देती थी। तो उसकी वजह से बार बार उसके फूड के छींटे पूरे माइक्रोवेव में फैल जाते थे और इस तरह से वो हर बार ऐसे ही गंदा हो जाता था। तो लगता ही नहीं था कि वो जस्ट अभी नया लिया है। तो जब से मैंने ये ट्रिक अपनाई और इससे मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया तो बहुत इजी और सिंपल तरीके से जस्ट 7-8 मिनट लगते हैं तो उससे मैं फिर से अच्छा क्लीन माइक्रोवेव अपना कर लेती हूँ। तो बस आज मैं वही ट्रिक आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो लेट्स ही शुरू करेंगे। तो ये आप मेरी क्लीनिंग से पहले की माइक्रोवेव की हालत देख रहे हो और आफ्टर क्लीनिंग के बाद आप देख रहे हो कितना फ़र्क आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो जब भी हम माइक्रोवेव में ऐसे ही ओपन ही कुछ बाउल प्लेट में फूड गर्म करने के लिए रख देते हैं तो गर्म होने के बाद उसके पूरे फूड के छींटे सारे माइक्रोवेव के ऊपर नीचे लग जाते हैं। तो देख सकते हो गर्म होने के बाद किस तरह से पूरा माइक्रोवेव उस सोस से बिगड़ गया। तो अगर ऐसा होता है तो आप माइक्रोवेव को किस तरह से क्लीन करोगे ताकि वो फिर से अच्छा और नया दिखने लगे, तो आज इसकी मैं ट्रिक आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए हमें एक नींबू और कोई भी माइक्रोवेव में हम यूज़ कर सके वैसा कोई बाउल पानी से भरा हुआ उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो हम सारा नींबू का रस पानी में निकाल देंगे और उसके बाद उसके भी छोटे पीसेस करके उसको भी पानी में डाल देंगे। अगर छोटा नींबू हो तो आप पूरा ही एक नींबू पानी में डाल लोगी उसके रस के साथ। ये यहाँ में थोड़ा बड़ा है तो उसके 3 पीसेस पानी में डालूँगी। तो बस इस तरह से पूरा रस निकाल के उसको भी उसकी छाल के साथ बाउल में रख देंगे। तो फिर हम उस बाउल को माइक्रोवेव में रख के 5 मिनट तक गर्म होने के लिए रख देंगे। तो बस इसी तरह से 5 मिनट पानी को गर्म करने से पूरे माइक्रोवेव में नींबू और पानी की स्टीम फैल जाएंगी। तो बस 5 मिनट होने के बाद बाउल पूरा गर्म हो गया होगा तो हमें उसे केयरफुली बाहर निकाल देंगे पहले। तो फिर पूरा हमें माइक्रोवेव क्लीन करना है तो हम उसका प्लग भी निकाल देंगे। फिर उसके बाद वो ग्लास की प्लेट भी अंदर से निकाल देंगे और उसको सिंक में अच्छे से क्लीन करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम किचन पेपर की मदद से थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से क्लीन कर देंगे। तो जो हमने नींबू का पानी गर्म किया था उसमें ही थोड़ा पेपर डिप करके उसी की मदद से माइक्रोवेव को हम क्लीन करेंगे। तो इस तरह से चारों और ऊपर नीचे सब जगह से हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। और फिर मैं ये ऑल पर्पस क्लीनर का थोड़ा ऊपर नीचे सारी जगह स्प्रे कर दूंगी और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से उसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये मैंने होममेड ऑल पर्पस क्लीनर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, विनेगर, पानी और थोड़े से ड्रॉप डिश वॉशर सोप के डाल के ऐसे बनाया है। तो बस इसी तरह से मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर दिया और फिर लास्ट में फिर से ड्राई किचन पेपर टॉवल से उसे क्लीन कर दूंगी। ऐसे प्लग के वायर को भी हम ऐसे ड्राई पेपर से क्लीन कर देंगे और इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए ऐसे ही ओपन रख देंगे। और इस प्लेट को भी हम थोड़ा सा डिश लिक्विड लेके स्क्रब की मदद से अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके उसे क्लीन कर देंगे।
तो उसके साथ हम माइक्रोवेव को थोड़ा साइड में करके उसके पीछे भी अगर कचरा हो तो वो भी सब क्लीन कर देंगे। फिर देख सकते हो कि कितना पीछे गंदा हो गया है। तो पहले तो हम ऐसे ही पेपर से पूरा कचरा निकाल देंगे। और इसके बाद ऑल पर्पज़ क्लीनर का स्प्रे कर देंगे पूरी जगह पे और माइक्रोफाइबर क्लोथ की मदद से उसे अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो बस अभी हमारा माइक्रो अच्छे से क्लीन हो गया है, तो प्लेट को हम रख देंगे, प्लग को भी लगा देंगे। तो बस आप इसी तरह से ही बहुत आसान तरीके से 5-10 मिनट में नींबू और गर्म पानी से ही जस्ट माइक्रोवेव में जो पूरी फूड की वजह से चिकनापन हो जाता है वो आसान तरीके से आप निकाल देते हो और फिर से आपका माइक्रोवेव अच्छा नया दिखने लगता है। तो फूड की वजह से इस तरह बार बार अपना माइक्रोवेव गंदा ना हो तो आप माइक्रोवेव प्लेट कवर जब भी फूड को गर्म करो तब यूज़ किया करो, अदरवाइज़ आप दूसरी और प्लेट उस पर कवर करके फिर फूड को गर्म करो, या तो फिर आप कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट किचन पेपर भी प्लेट पे रख के फिर फूड गर्म कर सकते हो, ताकि इस तरह से बार बार फिर फूड की वजह से माइक्रोवेव पूरा गंदा ना हो। तो आज का मेरा ये क्लीनिंग वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।